अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दारचीनी। हमारी आज की रेसिपी है मटन पुलाव। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये एक ज़बरदस्त खुशबूदार पुलाव बनकर रेडी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg मटन लिया है और इसे गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे नमक, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़े से गरम मसाले, जिसमें लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 2 से 3 हरी इलायची। साथ ही हम इसमें 1/2 cup पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक प्याज को 4 टुकड़ों में कट करके भी मैंने डाल दिया है और अब हम इसे कवर करके इसमें सीटी लगा लेंगे जब तक के गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 सीटी लगा ली थी और आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हमें पुलाव बनाना है। उसमें 1/2 cup ऑयल गरम करके 2 स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है तो थोड़ी सी प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल ली है और अब हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे साबुत गरम मसाले लिए हैं, लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इसमें 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है तो अब हमने जो गोश्त को गला के रखा था वो डाल देंगे। अगर गोश्त में पानी थोड़ा सा है तो साथ में डाल दें, अगर पानी ज़्यादा है तो हम उसे बाद में ऐड करेंगे। मैंने सिर्फ गोश्त को ऐड किया है, इसका पानी हम बाद में डालेंगे। इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों को बीच में से कट करके डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे पीस कर भी डाल सकते हैं और साथ में इसमें 1/2 cup दही ऐड कर देंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुका है तो अब हम इसमें 1 tablespoon धनिया और सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 1 teaspoon गरम मसाला। 1 tablespoon धनिया और 1 tablespoon सौंफ को हमने पीस के रखा हुआ था तो उसे हमने डाल दिया है। इसके अलावा इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं करती हूँ, इसी से ये बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार पुलाव बनकर रेडी होता है। तो अब हम इसमें जो हमारा गोश्त का पानी बचा हुआ था वो 1 glass था, वो हमने डाल दिया है। इसके अलावा हमने 3 glass पानी और ऐड किया है और इसमें बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। इस पुलाव का कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है तो आप इसे वाइट पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि पानी में बॉईल आ गया है। यहाँ पर हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे, साथ ही जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। ये 1 kilo बासमती राइस है जिसे मैंने 1 घंटा पहले से भिगो दिया था। ग्लास के हिसाब से मेरे चावल 3 glass थे तो यहाँ पर मैंने टोटल 4.5 glass पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ही 1/2 lemon का जूस भी डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करके हमें इसे हाई फ्लेम पर पका लेना है। यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और चावल ऊपर नज़र आने लगे हैं। अब हम इसमें 2 tablespoon घी ऐड करेंगे। जो प्याज हमने बचा कर रखी थी वो भी डाल देंगे और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें 15 मिनट तक दम लगाना है। आप चाहें तो नीचे कोई हैवी बॉटम पैन या तवा के ऊपर भी रख सकते हैं या तो आप डायरेक्ट फ्लेम पर भी रख सकते हैं। 15 मिनट बाद फ्लेम ऑफ करके 10 मिनट तक हम इसे यूं ही छोड़ देंगे और फिर हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मटन पुलाव सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
पुलाव में से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि इसके चावल भी बहुत खिले खिले से हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।